हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्न विद पवन यूट्यूब चैनल। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कि एक नवरत्न पीसीयू है, उसकी तरफ से अपडेट आई हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी थ्रू गेट 2022। और अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये गेट के स्कोर के बेसिस में शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। तो अगर आपका गेट का एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आप बिल्कुल से यहाँ पर अप्लाई करिएगा। और सैलरी काफ़ी अच्छी ऑफर कर रहे हैं, जो कि 17.8 लाख CTC बन जाता है पर एनम। तो काफ़ी बढ़िया अपडेट आई हुई है। और अगर आपने अपना फुल टाइम बीटेक केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे ब्रांचेस से कंप्लीट किया है और गेट 2022 अपीयर किया है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहीं पर इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट आई हुई है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया आपको पोस्टिंग मिलने वाली है और इसमें ट्रेनिंग एक साल की रहने वाली है, जिसमें आपको 60,000 पर मंथ मिल जाएगा प्लस एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट। और अगर आप एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको 15,000 एक्स्ट्रा आपको सैलरी के साथ मिल जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद आपको एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट में एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिसमें आपको बाकी सारे अलाउंसेस वगैरह मिल जाएंगे। तो और अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपका फुल टाइम बीटेक केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे ब्रांचेस से होना चाहिए विथ मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स। और अगर वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो केमिकल में मैनेजमेंट ट्रेनी में 6 पोस्ट आई हुई हैं और मैकेनिकल में मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन पे 16 और उसी तरह मैनेजमेंट ट्रेनी अदर्स में 19 सीट्स आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्रांच वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। और अगर एज लिमिट की अगर बात करें तो जनरल वालों के लिए 25 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है और ओबीसी वालों के लिए 28 ईयर्स और एससी एसटी वालों के लिए 30 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। और जो कैंडिडेट फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं, उनके प्रीवियस सेमेस्टर तक 65% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर क्लियरली इन लोगों ने मेंशन किया है कि अगर आपने अपना डिग्री 2021 और 2022 में कंप्लीट की है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स पासिंग आउट इन द ईयर 2020 और बिफोर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये यहाँ पर इन लोगों ने रेस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि अगर 2021 के पहले अगर पास आउट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपको इनिशियली गेट स्कोर के बेसिस में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला है और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू रहेगा, जिसके बाद आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा। और आपको इन ब्रांचेस से गेट 2022 का पेपर अपीयर होना चाहिए। और जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, उन्हें एसी थर्ड टायर तक का फेयर रिफंड किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जिसके लिए आपको इंटरव्यू सेंटर तक जाने के लिए आपको किराया नहीं लगाना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की तारीख यहाँ पर 22 फरवरी से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 मार्च 2022 रखी गई है। तो मैंने आपको शॉर्ट में सभी डिटेल्स बता दिए हैं और अप्लाई करने की लिंक और नोटिफिकेशन की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर रीड कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से जाकर अप्लाई करिएगा। काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हैं और ये परमानेंट जॉब है, तो कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है। और अगर आपका गेट एग्ज़ाम अच्छा गया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा स्कोर अराउंड 800 के अबव बन रहा है, तो आप इस बिल्कुल अप्लाई करिएगा, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगर अपडेट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।